पंजाब में मिशन 2017 में लगी आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब डायलॉग की शुरुआत कर दी है। पंजाब डायलॉग को कवर संधू लीड करेंगे। आम आदमी पार्टी का पंजाब डायलॉग 10 कैटेगरी में होगा। इसमें यूथ, किसान, एनआरआई, उद्योगपति से संवाद होगा। पहला डायलॉग 23 अप्रैल को यूथ के साथ मोहाली में होगा। दिल्ली डायलॉग की तर्ज पर आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों पर पंजाब डायलॉग शुरू करने जा रही है। इसके लिए पंजाब डायलॉग कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेवारी कंवर संधू को दी गई है। कंवर संधू के साथ दिल्ली डायलॉग कमेटी के कई सदस्यों और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। पंजाब डायलॉग की शुरुआत मोहाली से की जाएगी और इसके लिए 10 विषयों को चुना गया है, जिस पर लोगों की राय मांगी जाएगी। हेड करेंगे पंजाब डायलॉग कमेटी को श्री कंवर संधू जी। कई अखबारों के एडिटर रह चुके, पंजाब की समस्याओं को जिन्होंने बहुत करीब से समझा भी है अपनी लेखनी के जरिए। मोहाली तो असं शुरू कर रहे हैं 23 अप्रैल न, और जोड़ा पंजाब डायलॉग है असी ये करीब 10 मुख वर्ग के नाल असं शुरू कर लगे हैं, पंजाब के 10 मुख वर्ग। और क्योंकि नौजवान पीढ़ी साड़ी जी यूथ जोड़ा वा भविख्य, अपना मुल्क का भविख्य, राज का भविख्य, असी उन्हों तो शुरू करा। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पंजाब डायलॉग का मकसद पंजाब के लोगों से अलग अलग मसलों पर उनकी राय शुमारी करना और मुद्दों को कैसे हल किया जाए इसके बारे में राय लेना है। जिस जिले या जिस कस्बे या जिस शहर में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उससे पहले हमारे वॉलंटियर्स वहां पर लोगों को बता सकें कि ये 10-12 मुद्दे हैं जो हमें लगता है कि यूथ के लिए या किसान के लिए या व्यापारियों के लिए या एक सर्विसमैन के लिए बड़े मुद्दे हैं, इस पर आप अपने सुझाव तैयार करके आए। आम आदमी पार्टी का दिल्ली डायलॉग राजधानी में हिट रहा था और इसी हिट फार्मूले को पंजाब में भी आजमाना चाह रही है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, दिल्ली।